हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंडियन वर्सेस चाइनीज़ ऐप। चाइनीज़ ऐप नहीं बोलूँगा, इंडियन वर्सेस बाहर की ऐप्स जितनी भी है उन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिससिमिलैरिटीज़ है और हम क्यों बोलते हैं कि चाइनीज़ ऐप को हटा दो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। आजकल क्वारंटाइन चल रहा है, तंबोला सभी खेल रहे हैं। एक जगह है तंबोला किंग, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुई है, जो कि इंडिया की नहीं है, बाहर की है। एक जगह है तंबोला नंबर कॉलर एप्लीकेशन, जो इंडिया में बनी है। तो फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही आप शेयर कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन्स को शेयर कर सकते हैं तंबोला बोर्ड को। तंबोला नंबर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर खेल सकते हैं, इवन आप अपने बोर्ड को पर्सनलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक छुपी हुई चीज़ है जिसके बारे में मैं बताता हूँ, क्यों हम लोग बोलते हैं कि आप बाहर की ऐप्स को यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इस ऐप के अंदर जो तंबोला नंबर है, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे कि तंबोला बोर्ड, दो टाइप के टिकट्स आपको फ्री मिलती है, डिज़ाइनर टिकट्स आपको फ्री मिलती है, शेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ तंबोला किंग ने इस ऐप की कॉपी करी है और एक दो नई फंक्शनैलिटीज़ दे दी है। लेकिन उन्होंने क्या किया है तंबोला किंग ने, मैंने अभी अभी देखा है, ये तंबोला नंबर कॉलर एप्लीकेशन का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तंबोला नंबर, तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये चीज़ कि वर्जन 61 ये आपसे क्या क्या परमिशंस मांग रहा है। ये आपसे परमिशन मांग रहा है कैमरा की, जो है स्कैन करने के लिए QR कोड की, और ये तभी यूज़ होगा जब आप QR कोड स्कैन करेंगे। और बाकी अदर परमिशंस जनरल परमिशंस होती है, जिसके लिए कोई भी आपको इनडायरेक्टली परमिशंस नहीं देनी होती। लेकिन वहीं तंबोला किंग आपसे क्या क्या मांगता है? कैमरा, जो QR कोड स्कैन करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉपी किया है। अदर ये ज़रूरी चीज़ें होती है, इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज में ध्यान से पढ़िए क्या क्या। रीड द कंटेंट ऑफ योर शेयर्ड स्टोरेज, मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट्स ऑफ योर शेयर्ड स्टोरेज। सो दोस्तों, ये स्टोरेज के नाम से आपसे पूरी परमिशन ले रहे हैं कि आपकी कैमरे की हिस्ट्री, आपके डिवाइस में जो जो सी फोटोज़ है, सब इन्फॉर्मेशन इनके पास जा सकती है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी ऐप यूज़ करनी है, इंडियन यूज़ करनी चाहिए या कोई बाहर की ऐप यूज़ करनी चाहिए जो आपका सारा का सारा डाटा लेके बाहर चली जाए, बेच दे। थैंक यू फ्रेंड्स।